अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। जी ये हमारा फ्रिज है, फ्रिज हमारा ख़राब हो गया था तो जिसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो अभी इलेक्ट्रिशियन को बुलवाया है और उसने ये ठीक किया है। तो अभी इसमें से सामान वगैरह सारा निकाला हुआ है फ्रिज को, क्योंकि साफ़ भी किया, गंदा भी हो रहा था पानी की वजह से ना, तो अब अल्लाह का शुक्र ये ठीक हो गया है। तो गर्मी में जैसे आप लोगों को पता है कि फ्रिज थोड़ा सा भी ख़राब हो तो बहुत डिस्टर्बिंग होती है, तो शुक्र है कि अब ये ठीक हो गया है। आज फिर से मैं बना रही हूँ मटर वाले राइस, क्योंकि मुझे मटर वाले राइस बेहद पसंद हैं। तो मैंने चावल भिगो दिए थे चाय वाली पतीली में, हालांकि बॉल पड़ा हुआ था लेकिन बस जल्दी जल्दी में मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। तो वहाँ पे मैंने प्याज भी ऊपर रख दी ब्राउन होने के लिए। आज मैं अपने प्याज ज़्यादा ब्राउन करूँगी और मज़ेदार राइस तैयार करती हूँ, फिर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। जैसे कि आज मैंने कहा था कि मैंने प्याज जो है ज़्यादा ब्राउन करना है, तो देखिए मैंने प्याज ब्राउन कर ली है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूंगी ये मैंने नमक, हरी मिर्चें, टमाटर और इसका अदरक का पेस्ट शामिल करके ना मैं अब इसके अंदर शामिल करूंगी। अच्छा ये ना किनोर चिकन क्यूब अगर ना शामिल करें तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। उस दिन मैंने किनोर डाला था तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। आज मैंने सोचा कि मैं नहीं शामिल करूँगी, तो मैं अब डाल दूँगी इसके अंदर ये मटर। आधा किलो चावल है और उसमें आधा किलो ही मटर है। मैं काट रही हूँ आइसक्रीम, बच्चों के लिए मंगवाई थी तो अम्मी भी अक्सर शौक से खाती हैं, क्योंकि ये आइसक्रीम जो होती है ना ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए बहुत अच्छी है, जिनका बीपी हाई रहता है, तो अक्सर अम्मी भी बड़े शौक से खाती हैं। तो ये मेरा ख्याल कौन सी है? ये मैंगो। मैंगो आपको पसंद है? मैंगो अच्छी लगती है। हाँ निको भी बड़े शौक से खाती है। निको आपको खाए ज़्यादा खाने से ये ना ये भी बीमार हो, थोड़ा सा इसको ना थोड़ी देर के बाद खाना, भी बहुत ठंडी। ओके जैसे मैंने कल शेयर किया था ना कि मैं बिल्लियों के बारे में सोच रही हूँ कि इनको ना दे दूँ मैं, तो ये मोइज़ा को और दूसरी बेला को ना मैं दे रही हूँ, क्योंकि इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है, इसने ना बाइट किया है मेरी बेटी को, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं दे दूँ। बैठी कैसे मासूम वो बना के, माशाल्लाह है तो बहुत प्यारी क्यूट, लेकिन ना ये तंग बहुत करती है, बहुत लड़ाकी है, बहुत मारती है, बाइट करती है, नेल्स मारती है। मैं बना रही हूँ चिकन, तो मैं यहाँ पर मैंने ऊपर रखा हुआ चिकन, आज मैं बना रही हूँ आलू चिकन। मसाला मैं कर रही हूँ इसका फ्राई, तो साथ मैंने इसमें अदरक लहसुन और प्याज शामिल किया है। यहाँ पे चिकन वॉश करके रख रही है, आलू मैं बना रही हूँ तो कुछ छीली हैं, कुछ रह गए हैं। मुझे कहा कि आप आए तो मैं बनाऊँ के बच्चे भी खाते हैं, इसलिए मैंने कहा मैं तो पैदकार मशीन परसों बनाया था ना आलू गोश्त, हाँ आलू गोश्त बनाया था तो वो बच्चे खाते ही नहीं, किसी ने भी नहीं खाया, एक बंदे ने भी नहीं खाया, तो सारा सालन की वजह से मैंने कहा जाया होता है इसे बना होता है, तो इसलिए मैंने कहा भाई जैसे भी है तो खराब हो गया। माँ को बच्चों से पसंद का है ना, माँ सही कह रही हूँ। अच्छा मैंने अपने व्यूअर से एक बात करनी थी कि ये मेरा भाई है, ठीक है, तो ये बताना है आपने कमेंट में कि ये मेरा भाई मुझसे बड़ा है कि छोटा है, ये बताना है, तो आप सब लोगों ने ये मुझे कमेंट जरूर करने हैं कि ये मेरा भाई मुझसे कितना छोटा है या बड़ा है, सब ने मुझे ये बताना है, पता चल जाएगा कि मैं बड़ी हूँ कि ये बड़ी हूँ। दूसरा यूट्यूब अपना चैनल बनाने लगे इनको सपोर्ट भी कर। हाँ अभी तो नहीं, जब बताएंगे तो पूरी जल्दी जल्दी नहीं। ये दिखाओ आलू गोश्त कैसे लगते हैं, अभी इसमें गोश्त हो गया तो अभी मैंने इसमें आलू ऐड किए, तो जैसे ही आलू और गोश्त मिक्स हो जाता है ना फिर इसमें शोरबा जितना भी डालना है पानी डाल देंगे, समझ
मुझे पानी दे दो, मैं साथ वाले चूल्हे पे अपनी चाय भी रख दूँ क्योंकि मैंने चाय नहीं पी। अपने लिए मैंने चाय ऊपर रख दी है। अभी इसमें गरम मसाला डालना है, फिर इसको अच्छी तरह इसकी बनाई करनी है तैयार। इसको मैं रहती हूँ उतार, सब ने पी ली थी, मेरी चाय नहीं बनी। आज तो आपने जाना था, आपने कहा था फ्रेंड की तरफ जाना, लेकिन अभी नहीं जा रही। अच्छा, जाना तो था। तबीयत अभी ठीक नहीं है, शक्कर है ये ना? चीनी का जी? चीनी नहीं, मैंने ये रखा था डब्बा उसके लिए, देसी घी के लिए। ये देसी घी है ना, तो मैंने इसके अंदर डालना है। वो फ्रिज अभी साफ़ किया है ना, सारा बड़ा गंदा हुआ हुआ था, तो मैंने कहा कि इस डब्बे में डाल देते हैं। चाय पीने लगी हैं जी? एक चम्मच में देते छोटा सा था, इतना सा मेरा ख्याल एक साल का था। अच्छा। तो इसी बिल्लियों की रिलेटेड बात हो रही है। तो जैसे आप रोला पड़ा हुआ है ना कि निकालनी, वो कहता मेरी नहीं निकालनी, वो कहता मेरी नहीं निकालनी, तो घर में ये चल रही है आज दो तीन दिन से ना, ये मसला चल रहा है। और ये दोनों ही बीमार हो गए, बिल्लियों वाले दोनों बीमार हो गए। तो अब जो मसला है सादिया पे है कि किस किस को निकालना है और किस किस को रखना है। असल में ना वो अटैच है, ज़ैनब अटैच है मफिन के साथ, बहुत ज्यादा वो रो रही थी। तो मैंने सोचा उसकी मतलब ये कि अटैचमेंट है काफी, तो मैंने सोचा कि उसको हम ना नहीं निकालते मफिन को। हाँ जी, ये सो रहा है नीचे, ये देखिए ये वॉशरूम के दरवाजे के आगे ही सोया रहता है। तो बाकी बेला को, अच्छा बच्चा जी, बहुत अच्छा है, लेकिन बेला को और मोइजा को निकाल रहे हैं इसलिए कि वो ना बहुत ज्यादा तंग करती हैं। उसने ना जारा के भी इधर ना बाइट की है, ये देखिए। हाँ मैंने बताया है, इसको भी बाइट कर दी उसने। तो अब ये आलू और चिकन हमारे बिल्कुल तैयार है। अभी मैंने इसके अंदर गरम मसाला ऐड किया है। खाना तैयार हो गया, तो इंशाल्लाह अब हम खाना खाएंगे। आप लोगों ने खाना है तो आ जाएं आप लोग भी हमारे साथ खाना। हाँ जी, तो अभी खाना तैयार हो गया, हम खाना खाने लगे हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़ जी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों से कहती हूँ कि प्लीज़ आप हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा। आपके एक क्लिक से हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो मेरी मदर जो है उन्होंने चैनल किसी मकसद के तहत बनाया था, वो आप लोगों के साथ हम लोगों ने पहले भी शेयर किया है और नेक्स्ट वीडियो में भी इंशाल्लाह ज़रूर बताएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।